तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो हाल ही में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन अभी आ रहा है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को देखते हो तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है इनकी तरफ से एक न्यू न्यूज अभी सुनने को मिलेगा जो की होने वाला है रॉयल एनफील्ड का ही एक न्यू वर्जन वाला हिमालयन के बारे में। तो ये जो न्यू वर्जन अभी आने वाला है रॉयल एनफील्ड हिमालयन का, तो इसके अंदर अभी 400 सीसी इंजन नहीं रहने वाला है, इसके अंदर अभी रहने वाला है 650 सीसी इंजन। तो वीडियो को पूरा देखते रहो कि इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू हिमालयन के ही बारे में बातें करने वाले हैं और इसका जो एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट अभी सामने आया है तो वो भी मैं बताने वाला हूँ आज के इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूँ अंकुर कर्मकर, आप देख रहे हो कर्मकर अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। जो अभी अभी कुछ ऐसा न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है हिमालयन के ही न्यू वर्जन के बारे में जिसको देखते हो तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है इनकी तरफ से बहुत ही जल्दी एक न्यू न्यूज आपको सुनने को मिलेगा जो कि होने वाला है रॉयल एनफील्ड का ही एक न्यू वर्जन वाले हिमालयन के बारे में। तो ये जो न्यू वर्जन वाले हिमालयन अभी आने वाले है जिसके अंदर अभी होने वाले है रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से एक 650 सीसी वाला इंजन। तो ये जो न्यू वर्जन वाले हिमालयन अभी आने वाला है तो इसके अंदर जो इंजन टेक्नोलॉजी रहने वाला है तो अभी तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो जीटी कॉन्टिनेंटल है या फिर जो इंटरसेप्टर है तो इनके अंदर जो इंजन टेक्नोलॉजी दिए गए थे तो वही वाला इंजन टेक्नोलॉजी भी इसी न्यू हिमालयन 650 के अंदर दिए जाने वाले हैं। तो अगर यही वाला इंजन टेक्नोलॉजी रहता है इसी न्यू हिमालयन 650 के अंदर तो इसका मतलब इसी न्यू हिमालयन के अंदर होने वाला है पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला इंजन। तो इसी इंजन के साथ साथ ही जो हिमालयन अभी आने वाला है तो इसी के अंदर भी दो वेरिएंट्स भी होने वाले हैं। एक्सपेक्ट तो अभी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है जैसे कि एक हिमालयन होने वाला है एयर कूल और एक होने वाला है ऑयल कूल। तो ये जो हिमालयन है तो इन दोनों के ही अंदर होने वाला है 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स और उसके अलावा भी ये जो हिमालयन अभी न्यू वाला है तो इसके अंदर जो मैक्स बीएचपी होने वाला है वो है 47 bhp और इसके अंदर जो मैक्स टॉर्क होने वाला है तो वो है 52 Nm। तो ये जो न्यू वर्जन वाला हिमालयन अभी आने वाला है 650 cc इंजन के साथ ये अभी रेडी हो रहा है इसके ही R&D सेंटर के अंदर और उसके बाद शायद से बहुत जल्दी आप लोग देख सकते हो इसी बाइक के ही कुछ लीक्ड पिक्चर्स जो की होने वाला है रास्ते के ऊपर चलते हुए टेस्टिंग के दौरान। और उसके अलावा भी इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड अभी जो ईयर बताया जा रहा है कि जिस ईयर के अंदर लॉन्च होने वाला है एक्सपेक्टेड जो तो वो है 2023 से लेके 2024 के ही अंदर अंदर। और इस सबके अलावा भी जो जो फीचर्स पहले दिया गया था इसी बाइक के अंदर तो वो फीचर्स ही दिए जाने वाले हैं इसी न्यू वर्जन वाले हिमालयन के भी अंदर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।